हेलो दोस्तों, और प्रीवियस ईयर पेपर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप सभी के जो भी पेपर चल रहे हैं वो अच्छे जा रहे होंगे। जैसा कि व्यापम का न्यू नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हो चुका है, जिसमें 1500 प्लस पोस्ट हैं, जिसमें आपका वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी, इसके साथ ही ग्रामीण विस्तार विकास अधिकारी की भी काफी पोस्ट है। तो जो ग्रामीण विस्तार अधिकारी का पेपर है वो हम 2021 का एक पेपर हमारे चैनल पर डाल चुके हैं, आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिए। साथ ही हम उसका एक और शिफ्ट आज अपलोड कर देंगे। इसके बाद आज जो पेपर हम आपके सामने लेके आए वो है वरिष्ठ ग्रामीण विकास अधिकारी का पेपर, उद्यान विकास अधिकारी का, जो कि आपका 2022 में ही हुआ है। तो आज ये पेपर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। तो इसके लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज जाके एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियोस को, जो पिछला इससे रिलेटेड वीडियो डाला है उसको भी देख लीजिए, आपको काफी हेल्प करेगा। हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें डिस्कशन करे हैं। साथ ही हमने प्रीवियसली जो एक्साइज कॉन्स्टेबल का पेपर था उसका एक अच्छा एनालिसिस किया था और सेम टॉपिक के क्वेश्चन पटवारी में भी रिपीट हुए। तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखना, आपको काफी ये हेल्प कर रहा होगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। इसका जो पैटर्न रहता है इसमें हम ये देखेंगे कि जो 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन इसमें नॉन टेक के होते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन नॉन टेक के और 100 जो है टेक्निकल रिलेटेड, जिसमें उद्यानिकी से क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन होते हैं। तो इस सेक्शन की स्टार्टिंग में जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, जो ग्रीन लाइन है वो करेक्ट आंसर दिखाती है, ठीक है, उसके बाद जो कि आपकी येलो कलर है, येलो कलर दिखाएगा कि करेक्ट ऑप्शन आपने मार्क किया है और वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, करेक्ट आंसर ये बताएगा। ये आपका करेक्ट ऑप्शन सिलेक्टेड, मतलब जो करेक्ट आंसर था और जो आपने सिलेक्ट किया वही बताएगा। जो ग्रे कलर है वो बताएगा कि आपने या तो रॉन्ग आंसर दिया या इसको स्किप कर दिया, ठीक है। तो आइए, ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है, आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो डंपिंग ऑफ खालिस्तान की सबसे गंभीर बीमारी है। तो जैसा कि इसमें मैं बता चुका हूं कि इसमें जो भी हमारे फल होते हैं, फसलें होती हैं, उससे रिलेटेड बीमारियों के नाम काफी आते हैं। तो जो डंपिंग ऑफ है, डंपिंग ऑफ जो है वो हमारे पपीते से रिलेटेड एक गंभीर बीमारी है, तो पपीता जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बता रहा है कि पावर स्प्रे के किस हिस्से में डिस्क है जिसमें केंद्र में एक छेद सहित कई छेद है, तरल को वांछित स्प्रे में तोड़ने के लिए और पौधों को पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यार इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे आपका नोजल। नोजल जो है इस पर्पस के लिए यूज होता है, तो नोजल जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर नोजल यहाँ पे करेक्ट आंसर था, कैंडिडेट ने ड्रिपर मार्क किया है जो कि यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसमें डिस्क के सहित केंद्र में कई छेद रहते हैं, आपने देखा होगा नोजल जो एक सेंटर में छेद रहता है उसके आजू बाजू भी कई छेद रहते हैं, इसको वांछित स्प्रे पहुंचाने के लिए इसका यूज करते हैं। आगे चलेंगे। थोक आबादी का प्रजनन किसके लिए प्रयुक्त है, तो छोटे अनाज वाली जो फसलें हैं उसके लिए ये यूज किया जाता है। आगे चलेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सिंचाई प्रणाली से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जो उद्यान विकास अधिकारी है उसमें सिंचाई से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। आगे चलेंगे। सेम जैसे कोई फल दे दिया, कोई फसल दे दी, उसका पूछ लिया कि इसमें तीखेपन किस कारण होता है, टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, एक बार आप सभी इसको देख लीजिए, ठीक है। हाँ, ये जैसे इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं कृषि या बागवानी से रिलेटेड, जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होते हैं, करंट में जो भी इससे रिलेटेड कोई योजनाएं लॉन्च की गई हो, चाहे वो एमपी स्टेट पे हो या आपकी कंट्री के लेवल पे हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इनको आपको अवॉइड नहीं करना है, जो भी सम्मेलन हुए हो इस टाइप में काफी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है।
आगे चलेंगे। सबसे पुराना कीटनाशक का पीला तेल जिसमें अपरी गंध और कड़वा स्वाद होता है, मार्गोसा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ही देखो, जैसे ये पूछा जल संसाधनों की योजना और विकास, इसके इष्टतम उपयोग को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार के जल संसाधन द्वारा जो योजना है वो है नेशनल वाटर नीति, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम इसमें कुछ विधियों का क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर ये हो जाता है तो उसके लिए कौन सी विधि यूज होगी, जल संरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम। देखो जैसे विस्तार प्लानिंग कार्यक्रम जो होता है उससे क्वेश्चन पूछा है, एक शैक्षणिक प्रक्रिया जो जागरूक करती है खेती और बागवानी से रिलेटेड जो भी डाउट्स आते हैं, जो भी स्कीम होती है उसके लिए। ठीक है, आगे चलेंगे हम। देखिये सब्जियों के डिब्बा बंद के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री शीशा, यहाँ पर रॉन्ग आंसर है, एल्यूमिनियम फाइल का यूज करते हैं, आप सभी को पता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। घुन को मारने के लिए जो भी फसल को बचाने के लिए जो कीटनाशक होते हैं या जो भी जैव छिड़काव होते हैं उससे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन की, अगर इस टाइप की कोई बीमारी देखने को मिली तो किसका छिड़काव किया जा रहा होगा या ये कौन सा रोग होता है। ठीक है, जैसे पूछ लिया गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है, मध्य क्षेत्र में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं। आगे चल देंगे हम, ये सभी क्वेश्चन आप एक बार देख लेना। देखो एक और यहाँ पर पूछा है, कौन सा तकनीकी संगठन भारत में जल शक्ति मंत्रालय के रूप में कार्य करता है जो विभिन्न हिस्सों में परामर्श प्रदान करता है, केंद्रीय जल आयोग जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर जो गेहूं की राष्ट्रीय फसल की औसत उत्पादकता कितनी है, चावल का पूछ लेगा, जो हमारी प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं उससे रिलेटेड भी आपको ये डाटा भी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि किसका उत्पादन कितना चल रहा है, साथ ही रैंक क्या है, कौन से प्रदेश किसके उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ रहा देश में, ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है एक बार। ठीक है, आगे चलेंगे। हाँ, ये जैसे मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं, यार मिट्टी के आवरण बनाने के लिए पौधे उगाना, हम ज्यादा से ज्यादा पौधे अगर लगा दे इससे मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, ये सभी रॉन्ग ऑप्शन है। अगर चराई की छूट दे दी तो भारी मात्रा में पौधे जो जानवर है वो खा लेंगे, वनों की कटाई से भी इसका नुकसान होगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी एग्जाम में सेम टाइप के देखने को मिलते हैं। आगे चलेंगे हम। हाँ, ये आप सब एक बार देख लेना, सिंचाई की जो प्रमुख विधियां होती है कौन सी विधि होती है, ड्रिप होती है, और इसमें क्या क्या यूज होता है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो किस टाइप का होता है, और साथ ही कितनी हेक्टेयर की फसलों के लिए वो यूज होता है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको अवॉइड नहीं करना है। ठीक है, आगे चलेंगे हम। हाँ, साथ ही जो विभिन्न प्रकार की किस्में, जैसे आम की कौन सी किस्म अचार के लिए प्रसिद्ध है, तो राम केला। ठीक है, बाकी लंगड़ा दशहरी तो हम खाने के लिए यूज करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन विभिन्न प्रकार की किस्में या कोई नाम दे देगा, चावल की किस्म, बाजरे की किस्म, गेहूं की किस्म, उसका नाम दे देगा और पूछ लेगा ये किस्म किससे रिलेटेड है, तो उसमें भी आपको ये पूरे पता होना चाहिए, जो भी फेमस किस्में हैं वो अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। ये पूछ लिया, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान का है मैसूर, तो ये स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन है जिसमें फूड से रिलेटेड है, फूड कॉर्पोरेशन से, फसाई से रिलेटेड जो भी है, ये आप सभी को अच्छे से याद होने चाहिए, इनको आप पढ़ लेना, इनसे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इजीली हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम। मौसमी फलों से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, अगेन जल शक्ति अभियान से काफी क्वेश्चन इसने पूछे हुए हैं, तो एक बार आप जल शक्ति अभियान को अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके दृष्टि से आ सकते हैं क्वेश्चन और। ठीक है, आगे चलेंगे। देखो कृषि क्षेत्र ड्रिप प्रणाली, जैसा मैंने बताया कि जो हमारी सिंचाई प्रणाली है उससे भी काफी टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस है, वो यहाँ पर भी पूछे गए हैं। ठीक है, ये देखो गन्ने में बंटी टॉप, ये रोग है। ठीक है, किसके कारण रोग होते हैं, कैसे दूर किए जाते हैं, साथ ही मिट्टी मिट्टी कितने टाइप की मिट्टी होती है और मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, अगर मिट्टी में इस पोषक तत्व की कमी हो गई हो तो इसको हमें सही करना है, उसके लिए कौन सा यूज करना है, वो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी आते हैं। आगे चलेंगे हम।
ठीक है, ये सभी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं एक बार स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप एक बार देख लेना, सभी टेक्निकल रिलेटेड क्वेश्चन है। किशमिश किस फल से बनाई जाती है? अंगूर, आप सभी को पता है। किसे अनाज का राजा कहा जाता है? गेहूं। ये डायरेक्टली कॉमन टाइप के क्वेश्चन भी काफी इसने पूछे हुए हैं, तो ये आप सभी इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, देखो ये एक क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल वाला है। घर में पानी बचाने का सबसे अच्छा तरीका स्नान नहीं करना, व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए ड्राई क्लीनिंग विधि, अधिक पानी से नहाना नहीं, कम पानी से नहाना करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप के डायरेक्टली इजी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं कुछ आपको, बिल्कुल आप डेली बेसिस पे उसको जो है इजिली देख के रिजोल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो जैसे मैंने बोला कि वो एक किस्म देखे किस्म पूछ लेता है, यहाँ पर पूछा हुआ है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर जो हमारे 100 क्वेश्चन थे टेक्निकल के, वो हम लोगों ने यहाँ पे पूरे देख लिए। अब जो नॉन टेक क्वेश्चन है ये हम थोड़े डिस्कस करेंगे। अगर मैं बोलू पेपर 100 में से हम 72-75 यहाँ पर अच्छा एक स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से हुआ? तो जो चेमायुंगन ग्लेशियर है यहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ये यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? यार ये जो 8 यहां पे रॉन्ग आंसर है, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं, ये यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा के। ठीक है, भारत संविधान की प्रस्तावना किस शब्द का उपयोग नहीं किया गया है? तो समानता का किया गया, बंधुत्व का किया गया, सामाजिक न्याय का किया गया, गरिमा से रिलेटेड वहां पे चीज मेंशन नहीं है। आगे देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं कौन? इसका हिस्सा नहीं होता, जो कानून मंत्रालय के प्रभारी मंत्री होते वो हिस्सा नहीं होते, बाकी इन सब से ये परामर्श के द्वारा ही किया जाता है। राज्य के निस्तीय निदेशक तत्व आयरलैंड से दिए गए। तो ये जो 5 क्वेश्चन उसने सीधे सीधे हमारे पूछ दिए गए हैं संविधान से रिलेटेड, जो ये 2022 का ट्रेंड था उसमें ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते थे। लेकिन अगर मैं 2022 और 23 के लेटेस्ट ट्रेंड की बात करूं तो आर्टिकल से वो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको आर्टिकल अवॉइड नहीं करने, एक बार सभी आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है हमारे उसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, आर्टिकल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को काफी मिलेंगे। अगर मैं बात करूं अभी व्यापम के लेटेस्ट एग्जाम्स के, तो उसमें आर्टिकल से सीधे सीधे क्वेश्चन काफी पूछे गए थे, तो आर्टिकल को आपको अवॉइड नहीं करना है, इसको अच्छे फोकस के साथ आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे चलेंगे। जैसे नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन, विदेशिया किस राज्य का नाट रूप या नाट रखे? तो जो बिहार यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक भरतनाट्यम तमिलनाडु का भरतनाट्यम कर्नाटक का नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं तो नृत्य से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राई माच, ठीक है, साथ ही घूमर लावणी आपके बिहू, ये कहाँ के लोक नृत्य नाट्य हैं, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक और हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से हो जाता है। एल्बिन राउंड शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो यार तीर अंदाजी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, तीर अंदाजी से रिलेटेड है। तो स्टैटिक जीके की अगर मैं बात करूं तो बेस्ट बुक मैं आपको यहाँ लूसेंट रिफर करना चाहूंगा। लूसेंट में जो है स्टैटिक जीके का एक काफी अच्छा पोर्शन दिया गया है, अगर आप वो पोर्शन पूरा कवर कर लेते हैं जिसमें बुक के नाम भी है, साथ ही जो इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, विश्व में प्रथम महिला है, काफी क्वेश्चन दिए गए, खेल से वर्ड, खेल की ट्रॉफियां, तो ये आपको अच्छे से देखना है वहां से पूरा। स्टैटिक जीके से मैंने जो प्रीवियस एनालिसिस 2-3 साल व्यापम के पेपर्स का किया है, एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इस पे एक अच्छा फोकस करना है। ठीक है, आगे चलेंगे। पहला ओलंपिक, तो 1776 में ग्रीस में ये पहला ओलंपिक जो है वो आयोजित किया गया था, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के अलावा चंबल नदी कहां से होकर गुजरती है? तो राजस्थान से होकर गुजरती है चंबल नदी, ये हमारे ग्वालियर वाले एरिया ऊपर के साइड का जो एरिया होता है मध्य प्रदेश का, तो जो छत्तीसगढ़ की सीमा है निचले एरिया से रखती है, सेम महाराष्ट्र की भी, गुजरात की जो सीमा है हमारी वो पश्चिमी सिरे से हमारी संबंधित है, तो राजस्थान की सीमा ऊपर और ऊपर साइड के कुछ हिस्सों से लगती है, जो कि बेसिकली उत्तर पश्चिम वाले एरिया से लगती है, तो यहाँ पर राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसे प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है? तो 0° देशांतर जो है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इसे कहा जाता है। देखो यहाँ अग्नि नृत्य सीधे सीधे पूछा है, अग्नि नृत्य
किसे सम्मान में किया जाता है? जो संत जसनाथ थे उनके सम्मान में ये किया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। केंटी डर्बी में प्रवेश करने के लिए घोड़े की उम्र कितनी होनी चाहिए? 3 साल जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। डर्बी जो एक रेस होती है, उस घोड़ों की रेस होती है, उसमें जो घोड़े के लिए एज डिफाइंड की गई है वो यहाँ पर 3 साल है। ठीक है, अगू कांडा किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो यार पुर्तगालियों ने काफी किले हमारे बनाए आके, चाहे मैं वहां गोवा की बात करूं या हमारे जो दमन साइड है, दीव साइड है, तो पुर्तगालियों का काफी वहां पर पांडिचेरी स्थापित रहा, उन्होंने वहां पर काफी किलों का निर्माण भी किया, तो यहाँ पर पुर्तगाली प्रमुख आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर अब इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑल द स्टडीज चिप्ड इन एंड ब्रॉट अ सेट ऑफ बुक्स फॉर द न्यूली एडमिटेड चाइल्ड। यहाँ पर जो है हमें अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब गिवन बिलो, सूटेबल फ्रेजल वर्ब यहाँ पर अपने को बताना है। तो जो कॉन्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ऑल द स्टूडेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड यहाँ पर करेक्ट वर्ड हो जाएगा। ठीक है, द रिवर हैव ओवरफ्लो, हैव ओवरफ्लोज, हैज ओवरफ्लो। तो यार यहाँ पर जो बात की गई है, यहाँ पर कोई पास्ट टेंस की बात नहीं की गई है या प्रेजेंट में कोई परफेक्ट की बात नहीं हो रही, मतलब वो भर चुकी है, ये नहीं है, कंटिन्यूअस एक चीज चल रही है, सिंपल जो होती है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल में वाटर फ्लोज जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। वी आर रियली बैड डैश प्रिडिक्टिंग फ्यूचर कॉस्ट ऑफ अवर एसेट। अब ऑन का मतलब होता है ऊपर, इनका मतलब होता है अंदर, एट मतलब कोई चीज की इस पे हम है, फॉर मतलब होता है के लिए। तो यहाँ पर जो मोस्ट करेक्ट वर्ड है एट, मतलब हम बहुत बुरे हैं किसमें, फ्यूचर कॉस्ट को प्रिडिक्ट करने में। तो ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के जो फिलर्स के या फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आते हैं, अगर इसमें आपको पता है प्रीपोजिशन से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं, तो प्रीपोजिशन वाला चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद एक और मैं चीज बताता हूं, अगर आप श्योर नहीं हो, आपको कंफ्यूजन है क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर हो सकता है, तो आपको क्या करना है, एक बार हर ऑप्शन को इसमें ब्लैंक में डाल के देखना है और एक बार स्टेटमेंट रीड करना है। ठीक है, कई बार यहां से भी आइडिया हो जाता है कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है, तो एक ट्रिक है यहां, इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। वी एबोर्टेड अवर वेकेशन दिस समर व्हेन द कार ब्रेक्स डाउन। मतलब यार यहाँ पर जो पूरी बात हो रही है ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, अबोर्टेड यहाँ पर बता रहा है कि ये पूरा जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रामेटिकल एरर किस वर्ड में हो जाएगा, तो पास्ट की टेंस है तो हम यहाँ पे प्रेजेंट से रिलेटेड कोई टर्म नहीं यूज कर रहे होंगे, तो द कार ब्रेक्स डाउन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें एरर है। ठीक है, द कार हेड ब्रोक डाउन जो है यहाँ पे करेक्ट वर्ड हो जाएगा। तो ये टेंसेस आइडेंटिफाई करने का तरीका है, अगर कोई सेंटेंस लिखा गया है तो उसकी पूरे जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो अगर पास्ट टेंस का है तो पास्ट में ही होनी चाहिए, प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में, और फ्यूचर का है तो फ्यूचर में ही होनी चाहिए। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलेंगे। शी हैज नॉट सेड अ वर्ड। ठीक है, अ वर्ड मतलब उसने एक भी वर्ड नहीं कहा है। तो इसी के साथ आर्टिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में काफी आते हैं। प्रीपोजिशन आर्टिकल हमारे दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ये आपको अच्छे से देख लेना है। आगे चलेंगे। अ पर्सन हु इज रिकवरिंग आफ्टर इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट। तो कन्वलसेंट जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहां पर उसका इलाज होता है वो रिकवर करता है, स्वास्थ्य में सुधार होता है, जो कन्वलसेंट जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वन वर्ड की बात करूं, वन वर्ड आपको कहीं से पढ़ना है तो एसपी बख्शी से आप पढ़ सकते हैं, साथ ही नीतू सिंह की जो इंग्लिश की बुक आती है वहां से आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं, एज इट इज वहां से क्वेश्चन लिया हुआ है। आगे चलेंगे। आई वॉज एट पार्टी विथ सम माई फ्रेंड इन मुंबई। तो इसमें हमें ग्रामेटिकल एरर बताना है। I was at party with some of my friends. ठीक है, some of my friends जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इस पार्ट में यहाँ पे एरर है। आगे चलेंगे। अल्टरनेट वर्ड हमें यूज करना है। द गर्ल 40 मिनट्स ऑफ एरोबिक्स एवरी डे।
ठीक है, मतलब यार ये उसकी कोई हैबिट है, ऐसी कोई चीज बता रहा है जो वो डेली बेसिस पे करती है। अगर कोई चीज डेली बेसिस पे हो रही है, ठीक है, तो ये जो है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू एंड डज होती है, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन है वो डू एंड डज में से कोई एक हो रहा होगा, डन नहीं है, हैव डन नहीं है, तो डू डज में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। स्पेसिफिक द गर्ल की बात की गई है, सिंगुलर वर्ब की बात की गई है, जो सिंगुलर वर्ब के साथ हम डज का यूज करते हैं, तो डज जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर अबाउट 60% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन, ठीक है। अब यहां पर जो वर्ड है ग्रामेटिकल एरर किसमें होगा, उत्तर प्रदेश अकाउंट्स, ठीक है, एस का यूज होगा, फॉर अबाउट 60% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन, नहीं, यहां पर जो वर्ड होगा वो होगा कंट्रीज पॉपुलेशन, देश की जनसंख्या का वो 16% उत्तर प्रदेश जो है वो है, तो कंट्रीज पॉपुलेशन देश की बात की गई है, तो यहां कंट्रीज आना चाहिए, तो कंट्री जो है यहां पर रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, इसमें इरर है, ठीक है। आगे चलेंगे, ही डैश अ चेयर फॉर हिज प्रोफेसर, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन देखूं तो यहां पर जो है यहां पर बताया गया है कि जो हमारा वर्क है वो वर्क हो चुका है, ठीक है, उसने वो कर लिया, ही पुल नहीं, हैज पुल नहीं, हैज पुल्ड होता है, तो ये तो यही गलत हो जाएगा, पुल्ड जो है पॉसिबल आंसर हो सकता है, पुल्ड भी एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, बट यहां पर इसका कोई जिक्र नहीं है कि वो कर चुका था, कर चुका है, तो पुल्ड जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट यहां पर एक सिंपल पास्ट सिंपल जो है यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, मेनी ऑफ द कंट्रीज आर नॉट एक्टिंग फास्ट इनफ टू कंट्रोल्ड क्लाइमेट चेंज, इनफ टू कंट्रोलिंग द क्लाइमेट चेंज इज करेक्ट वर्ड, तो कंट्रोल जो है इसमें यहां पे एरर आ जाएगा, ठीक है। द बलून डैश जेंटली अप इनटू द एयर, तो रोज जो है वो जेंटली आसमान में जो है गुब्बारे चले गए, तो रोज यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओकेशंस, सॉरी प्रिमिटिव ओशंस दैट लाइफ बिगिन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। तो यार ये जो है इसमें बात कर रहा है पास्ट चीज की, ठीक है, कि पुराना कोई है जब ओशन था वहां पर इतने वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति हो चुकी थी, तो पास्ट टेंस की बात कर रहा है, जो हमारा पूरा सेंटेंस है वो पास्ट में आएगा, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। तो यहां पर आप एक चीज का यूज देख रहे होंगे, दैट लाइफ बिगिंस, बिगिंस की जगह बिगन होना चाहिए, तो पास्ट की बात होगी, तो इस सेंटेंस में जो है यहां पर एरर आ जाएगा। आगे चलेंगे, मर्जिन स्पीक्स नॉट ओनली स्पेनिश बट जर्मन एज वेल, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूज होता है, आप सभी को पता है, तो यहां पर नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आना चाहिए, तो इसमें यहां पर एरर हो जाएगा। वी वेंट फॉर वॉक, ठीक है। अब यहां पर वी वेंट फॉर अ वॉक एक हो सकता है कंफ्यूजन एंड द वॉक। अब यहां पर स्पेसिफिक चीज पे जोर दिया गया, हम किसके लिए गए, ठीक है, स्पेसिफिक चीज अगर कोई जोर देके कोई बात की जाए तो स्पेशल हो जाती है, तो यहाँ पे द का यूज हो जाएगा, तो जो द है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इंग्लिश के पूरे क्वेश्चन थे, आई होप जो भी ट्रिक्स मैंने बताई होगी एरर में कैसे टेंस आइडेंटिफाई करना है, साथ ही फिलर्स के जो क्वेश्चन है उसको हम कैसे कर सकते हैं, ये आप सभी को क्लियर हुआ होगा। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको अच्छा लगा होगा, साथ ही दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और जो हम इतना एफर्ट आप लोगों के लिए डाल रहे हैं, पूरे पेपर कलेक्ट करके लाते हैं, जो एक अच्छा एनालिसिस आपके लिए लाते हैं, काफी हार्ड वर्क हम लोग कर रहे होते, तो एक हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, तो इसके लिए प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि इससे रिलेटेड इस टाइप के जो भी वीडियोस हम आपके सामने लेके आए आपको इसका नया नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है ये होता है आपका जीके से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। जो फलीदार पौधे की जड़ें सीधे सीधे नाइट्रोजन से रिलेट करती है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब तांबे के बर्तन को नर्व हवा के संपर्क में छोड़ दिया जाता है तो यार जो बर्तन है उसका कलर जो है हरा हो जाता है, आप सभी को पता है तांबे के हमारे बर्तन पे एक हरा सा धीरे से काई हरा टाइप का कलर आ जाता है, तो हरा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है।
किसका उपयोग रोड सरफेसिंग के लिए किया जाता है, जो बिटुमिनस बिटुमिन है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इसका यूज सरफेसिंग के लिए करते हैं। कौन सा एक जीर्ण रोग का उदाहरण है, तो एंटी फिलासिया जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसका उदाहरण होता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम। डॉक्टर हमारे दिल की धड़कन को मापने के लिए किसका, यार स्टेटोस्कोप होता है, आप सभी को पता है स्टेटोस्कोप, जो डॉक्टर लगा के हमारे दिल की धड़कने मेजर करता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, यह किस देश में खोजा गया रेशम के कीड़ों से प्राप्त कर सकते हैं, आप सभी को पता है चीन में, जो पुराने कार टाइम से हम बातें कर रहे हैं, रेशम मार्ग की खोज हुई चीन में, रेशम के कीड़े काफी होते हैं, रेशम का उत्पादन किया जाता है, तो जो रेशम है, जो इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, वो रेशम के कीड़े जो है चीन में प्राप्त किए गए, वहां से इसका काफी व्यापार भी होता है, तो जो चीन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस रोग का कारण ट्रेपोनोसोमा क्रूजी है, तो जो चकास रोग होता है उसका कारण ये है, तो यहाँ चकास रोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, रेडियोधर्मी कचरा किस श्रेणी में आता है, तो रेडियोधर्मी जो कचरा है खतरनाक अवशिष्ट होता है, इससे हानिकारक जो है रेडियोधर्मी गामा रेज निकलती है, बेसिकली जो यूरेनियम होता है, प्रोटियम होता है, ड्यूटीरियम होता है, ये रेडियोधर्मी एक्टिव पदार्थ है सभी हमारे, तो इनसे जो है हानिकारक गामा रेज निकलती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, इसीलिए खतरनाक अवशिष्ट की श्रेणी में आता है। ठीक है, आगे चलेंगे, नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे पोषक तत्वों के साथ पानी का संबंध जो हरित शैवाल के विकास गति प्रदान करता है किसे, यार सुपोषण है यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, पित्त रस एक थैली में जमा होता है किसे, इस नाम से जाना जाता है, पित्ताशय में पित्त रस होता है, आप सभी को पता है, तो पित्ताशय जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक वस्तु में किस प्रकार की ऊर्जा वस्तु की शून्य गति के सापेक्ष संग्रहित होती है, ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेसिकली इसको स्थितिज ऊर्जा भी कहा जाता है, तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑक्सीजन के उपयोग से ग्लूकोज टूटने की प्रक्रिया को एरोबिक श्वसन कहते हैं, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोमबत्ती की लो आंशिक दहन या पीला रंग होता है, आप सभी ने देखा होगा मोमबत्ती की लो में, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, रोम जो है हमारे मोबाइल में स्टोर रहती है, मिटती नहीं है, और जो रैम है वो हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियसली भी व्यापम के पेपर्स में ये आया हुआ है। ठीक है, क्रोम एक किस टाइप का सॉफ्टवेयर, यार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप सभी को पता है, गूगल क्रोम जिसमें हम ब्राउजिंग के लिए यूज करते हैं, तो ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉ अनप्रचलित तथ्यों का पार्ट करने के लिए यार डेटा, यार हम डेटा कहते हैं ना कि यार इसका डेटा फाइल दे दो, इसका डेटा दे दो, डेटा ट्रांसफर कर दो, तो जो डेटा है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा बेस संग्रह से संबंधित है, आसूस जो है एक मोबाइल का नाम है, मोटोरोला भी एक मोबाइल का नाम है, इंटेल जो है, इंटेल एक बेसिकली कंपनी और प्रोसेसर का नाम है, ओरेकल जो है, ओरेकल एक लैंग्वेज होती है जो डेटाबेस से संबंधित होती है, तो ये जो ओरेकल है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन, आई होप आपको पूरे क्लियर हो रहे होंगे, हम पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। आगे चलेंगे, ई के सिस्टम के उप प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से कौन सा, तो ई के सिस्टम जो है यहाँ पर किसका यूज किया जाता है, ये तीनों चीजों के लिए हम ई के का यूज करते हैं, तो जो बेसिकली तीनों है, भुगतान जमा यहाँ पर निकासी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेंट्स प्रोग्राम स्क्रीन पर खड़े पिक्सल्स को ट्रैक करते हैं, रंग नहीं होता है स्क्रीन पे, वो पिक्सल होता है जिसे हम पिक्सल कहते हैं, जो हमारी एलईडी स्क्रीन है, चाहे वो कंप्यूटर की हो, लैपटॉप की हो, टीवी की हो, वो पिक्सल्स की बनी होती है, जो पिक्सल्स है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एक गीगाबाइट एक जीबी कितने केबी के बराबर होता है, वो यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इनबॉक्स से हटाए गए मेल, अगर हम इनबॉक्स से कोई भी मेल डिलीट करते हो तो वो ट्रैश में चला जाता है। ठीक है, ट्रैश जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड उपयोग करने, देखने, संशोधित पुनर्वृत्ति के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाता है, ओपन सोर्स जो है यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोम को प्रायः हम हार्डवेयर के रूप में जानते हैं। ठीक है, जो रैम है, रैम हमारे मोबाइल में हम स्टोर करते हैं, ये हार्डवेयर नहीं होता है। रोम जो है एक्सेसिबल मेमोरी,
एक्सटर्नली भी हम स्टोर कर सकते हैं, तो फर्मवेयर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। हार्डवेयर नहीं, इसका फर्मवेयर जो है करेक्ट आंसर है। कॉलम के अनुमतों के मान के संबंध में नियम परिभाषित किया जाता है, डेटाबेस प्रमाणिकता को लागू करने के लिए मानक तंत्र है। कॉन्स्टेंट जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर में उस पोर्टल का नाम होता है जो अतिरिक्त उपकरण को जोड़ने की अनुमति देता है। पेरिफेरल जो होता है यहाँ पर हम जो भी न्यू उपकरण होते हैं, जिससे स्पीकर हुआ, माउस हुआ या पेनड्राइव हुई, ये सब हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो पेरिफेरल जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ईमेल से संबंधित नहीं है, स्पैम ईमेल में जाता है, बीसीसी जाता है, पैन जो है वहां पर ये भी ईमेल से संबंधित होता है, लेकिन पैन जो है यहाँ पर ईमेल से संबंधित नहीं होता है, तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सेल फाइल को हम वर्कबुक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे वर्कबुक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम यहाँ से। ये दो क्वेश्चन आप लोग देख लेना, आगे ये जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं बेसिकली क्वांट के क्वेश्चन है, डायरेक्ट जो यहाँ पे पूछे गए हैं। तो जो सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, सीरीज के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, हमें ये चीज देखनी होती है कि डिफरेंस से हम उसको करने का पहले ट्राई करेंगे। ठीक है, कि कितना डिफरेंस है, डिफरेंस के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है, अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो क्या यहाँ पर कुछ डिफरेंस फॉलो हो रहा है। तो यार 72 और 36 के बीच 36,000 का डिफरेंस है, देन 36,000 और 12,000 के बीच 24,000 का डिफरेंस है, 12,000 और 3,000 के बीच 9,000 का डिफरेंस है, और 600 और 3,000 के बीच जो है यहाँ पे 2400 का डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या कोई चीज फॉलो हो रही है, 12 12 12, ऐसे तो ये चीज फॉलो नहीं हो रही है। ठीक है, हम कोई और यहाँ पर लॉजिक जो है फॉलो हो सकता है, इसको देखेंगे तो 5 का इंटू हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 4 का इंटू हुआ है, 3 का इंटू हुआ है, 2 का इंटू हुआ है, तो यार यहाँ पर जो भी इंटू है, ठीक है, 5 4 3 2 इसका इंटू हो रहा है, और ये चीज ऐसी बढ़ते चली जा रही है, तो ऐसी यहाँ पर कौन सी संख्या रही होगी जिसमें 6 का इंटू करने पे मुझे 600 मिला। 100 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस यहाँ पर एक लॉजिकल ऑर्डर में था, देन हम मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन क्या यूज हुआ है वो देखेंगे, जिस सामने मल्टीप्लिकेशन का यूज यहाँ पर पता चल गया तो सीरीज यहाँ से इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, ये अल्फाबेटिकल सीरीज है, ये मैं नहीं समझा रहा हूं, बट इसको जो करने का तरीका है आपको बता देता हूं, इजी आप लोग कर लोगे। हम इसको करने का बेस्ट वे यही है कि 1 2 3 से नंबर हम 13 तक लिख ले। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ए बी सी डी लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एम हो जाएगा, देन हम एन से मतलब 14 नंबर से उल्टे फॉर्म में एल एम एन ओ पी क्यू ऐसा लिखे, जेड तक इसको 26 नंबर से कंप्लीट कर दीजिए, एबीसीडी आप लिख लीजिए, देन इसको सॉल्व करना इजी होगा, ये बेस्ट पॉसिबल वे है करने की। इससे एक तो आपको लॉजिक जो है वो पहले जल्दी से क्लियर हो जाएगा, साथ ही आपको सॉल्व करने में कोई इश्यू नहीं आएगा और इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसको आप देखते हैं किस तरह से लॉजिक इसमें यूज हो सकता है। पहले हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं कि इसका क्या डिफरेंस आएगा, आप लोग ट्राई करना इसको डिफरेंस निकाल के देखना, अगर डिफरेंस नहीं आया तो डिवाइड का इनटू का ये लॉजिक हम देख सकते हैं। जैसे 48 में अगर 0.5 का इनटू होता है तो 24 आ जाता है, सेम 24 में आई थिंक 1.5 का इनटू होगा तो 36 आएगा, 36 में 2 या 2.5 4 3 ये आप देख लेना किस चीज का इनटू हो सकता है, ट्राई करना है करने का। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि वह कौन सा वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता, इसको करने का एक यही तरीका होता है कि हमें ये वर्ड देखना है, ऑप्शन में जो यूज वर्ड है वो इसमें होने चाहिए, इससे यहां पर हम इसको देख लेंगे, आप कर लोगे, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु बी ए के पश्चिम में, इसको ऐसा ही करना है, आप ए ले लेंगे। ठीक है, ए के पश्चिम में 3 मीटर की दूरी पर बिंदु बी है, बिंदु ए बिंदु सी के 6 मीटर उत्तर में है, तो यार जो 6 मीटर हो जाएगा सी के उत्तर में है, बिंदु डी सी के 6 मीटर पश्चिम में है, ये हो जाएगा आपके
पश्चिम में, 6 मीटर पश्चिम में है बिंदु के, डी और सी के ठीक बीच में है, तो यहाँ पर जो है बिंदु के हो जाएगा, ठीक है, मतलब 3 के डिस्टेंस, तो के और बी के बीच की दूरी है, सीधा सीधा दिख रहा है 6 होगी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करना, अल्फाबेटिकल सीरीज का जो मैंने ट्रैक करने का तरीका बताया है, ये क्वेश्चन मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ हमें किस टाइप से, जैसे 90 डिग्री, सपोज मैं यहाँ पर हूँ, अब इसने बोला मुझे 90 डिग्री मुड़ना है, ठीक है, अपने बाय और 90 डिग्री, तो यहाँ से 90 डिग्री जो है वो इधर हो जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, अगर वो 180 बोलता है तो ये पूरा मुड़ के ये 180 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हैं, ट्राई करना, सीरीज के क्वेश्चन भी इसी टाइप से करना है। इसको करने का एक बेस्ट वे है कि आप ऑप्शन को रख के देख लीजिए, देन इसको हम कर पाएंगे। अल्फाबेटिकल सीरीज को करने का जो बेस्ट है वे है वो बता चुका हूँ। ठीक है, क्वांट पे हम आते हैं कि इतने मैच जीते, अगले वर्ष कुछ मैच जीते, जीतने का प्रतिशत है तो संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, या इतने मैच में से वो इतने प्रतिशत जीतती है, ये आप लोग कर लोगे, इजी टाइप के क्वेश्चन होता है। ठीक है, हाँ ये वाले क्वेश्चन को करने का सेम तरीका मैं आपको बताता हूँ, आपको पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है, इसने एक चाय का दे दिया इतने रुपए, एक चाय का दे दिया इतने रुपए की प्रति मिश्रण का इसने दे दिया, अब इसको आप इस टाइप से जो है हमारे एलिगेशन मेथड से कर लेना, सीधे सीधे आपका रेशियो पता चल जाएगा। ठीक है, एक समूह में 65 पुरुष कुल सदस्यों में से इतने साक्षर है, इतने महिलाएं हैं, तो यार ये वाला आप ट्राई करना, हो जाएगा। ठीक है, समीकरण के सबसे बड़े मान है, इनको भी करने का ये तरीका है कि आप धीरे धीरे यहां से ब्रेक करना स्टार्ट करना, जिससे दो का अंदर मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2, देन -2 का अंदर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो -2 -2 +4, तो 2 की पावर 4, 16 जो है यहाँ पर हो जाएगा। सेम इसी तरह से इसको सॉल्व करना, ये आ जाएगा पी 5 गुना ज्यादा है क्यू से, तो यार पी जो है, पी सपोज मान लो 500, क्यू मान लो 100 हो जाएगा, तो कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 400। ठीक है, जिससे कम पूछा जाए उसको नीचे लेना, पी से पूछ रहा है तो पी नीचे आ जाएगा, 500, तो 80% कम है। ठीक है, आगे चलेंगे, ये क्वेश्चन को करने का बेस्ट वे मैं नहीं बोलूंगा कि आप सॉल्व करो, थोड़ा सा हमें स्मार्टली काम करना है, हर बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की नीड नहीं है, सीधे आप एन की वैल्यू ऑप्शन से उठा के रख दो, जिससे सेटिस्फाई हो जाए वो आंसर है। ठीक है, हर बार क्वेश्चन को करने का नीड नहीं है, हम क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है 6 किग्रा प्रति किग्रा मूल्य की 6 किग्रा चाय, 7 प्रति मूल्य की 4 किग्रा चाय के साथ मिलाकर 10% लाभ में बेचा जाता है, तो प्रति किग्रा मूल्य क्या है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, हम सबको टोटल करके टोटल नंबर निकाल लेंगे, कितना पैसा लगा उस पर 110% लाभ निकाल लेंगे, तो विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। आगे चलेंगे, दो पात्रों में ए और बी में इतने एसिड और पानी मिलाया जाता है, अनुपात को ज्ञात कीजिए। यार कुछ नहीं करना है, ए और बी ले लेना है, 5:2 है, ठीक है, 7:6 है, इसका टोटल कर देंगे, जितना क्या आएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, इनको हम दोनों को इक्वल कर देंगे, उसके बाद 8 और 5 में इंटू करके इसका रेशियो निकाल लेंगे। इन प्राकृतिक संख्या एकाएक अंक ज्ञात करी है, यार इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, यहाँ पर आप सीधे सीधे नंबर रख के देख लीजिए, एन प्राकृतिक संख्या, आप एन की वैल्यू 1 रख लो, सिंपल है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आप देख लेना, जल्दी से हिंदी डिस्कस कर लेते हैं, राघव ने सुभाष से कहा अपने घर जाओ। ठीक है, ये कौन से चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया, तो अर्धविराम जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों को विभाजित किया गया, 3 प्रकार के उसमें विभाजित किया गया है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मधुशाला फेमस कविता हरिवंश राय बच्चन की आप सभी को पता है, प्रसिद्ध कविता है, तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पर रघुवंश राय हो जाएगा। कौन सा शब्द संज्ञा है, क्रोध जो है संज्ञा है। ठीक है, यहाँ पे क्रोध करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण जो है यहाँ पे 3 होते हैं, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कौन सा मतदाता का सही समास विग्रह है, मत को देने वाला जो है इसका सही समास विग्रह हो जाएगा, वो मतदाता कहलाता है। ठीक है, एक वचन शब्द
सीधे सीधे दिख रहा है अध्यापक जो होगा एक वचन शब्द हो जाएगा, तो अध्यापक जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अशुद्ध क्रियाकलाप, ये गलत लिखा है, ये क्रियाकलाप होता है, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं क्रियाकलाप, तो ये यहाँ पे अशुद्ध वर्ड हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। माता के लाख समझाने पर भी राधा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है, मतलब हमेशा उसको समझाए लेकिन कोई असर नहीं पड़ा, तो जिसपे कोई असर नहीं हो रहा उसको चिकना घड़ा बोलते हैं, ठीक है, थीके? तो ये यहाँ पर जो है सही करेक्ट वर्ड हो जाएगा, तत्सम नहीं है, ठीक है। लिपटना जो है, देखो रिक्त इसको हम नॉर्मल बोलचाल में खाली बोलते हैं, लज्जा को, लाज, लगन, ठीक है, तो लिपटना जो है सही तद्भव नहीं है, तत्सम नहीं है, तो लिपटना जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यार, ये जो हेतु हेमूत भूतकाल होता है, इससे काफी क्वेश्चन मैंने देखे हैं प्रीवियस, अगर मैं इसका हमने जो 2021 का पेपर डिस्कशन किया उसमें भी एज इट इज क्वेश्चन है। तो यार ये जो भूतकाल के टाइप होते हैं ना, हमारे जितने काल है उसके टाइप, इसको आप एक बार अच्छे से डिटेल में पढ़ना, साथ ही संज्ञा सर्वनाम के टाइप, अलंकार, रस, छंद, इनको एक अच्छे डिटेल में पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका एक डिटेल वर्जन आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा लाइटली नहीं लेना है। हिंदी एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट थोड़े से डीप में मैंने क्वेश्चन देखे हैं इसमें एनालिसिस करके, तो थोड़ा डीप में आपको पढ़ना है, टाइप के अंदर तक जाना है, ठीक है। आगे चलेंगे, कौन सा शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, अल्लया का उद्धार राम ने किया, ये जो है शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। याचक शब्द, याचक जो होता है भिक्षु होता है, हमेशा कुछ मांगता रहता है, तो ये करेक्ट इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। रस और स्थायी भाव के संबंध में कौन सा युग्य सही, विभत्स का नहीं, क्रोध नहीं होता, वीर का जुगुप्सा नहीं होता, विस्मय का रति नहीं होता, श्रृंगार का रति होता है, ठीक है, तो जो करुण का शोक शम निर्वेद होता है, ये करुण यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, लोकोक्ति कुएं की मिट्टी कुएं में ही लगती है का अर्थ, मतलब यार जो काम हम करते वो वहीं पे खत्म हो जाता है या उसी में वो समाहित हो जाता है, जैसे लाभ का, लाभ जहां होता है वही खर्च भी होता है, ये जो है यहाँ पे करेक्ट टर्म हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यार हमने पूरे 200 क्वेश्चन का एक एनालिसिस किया है, अभी जो वैकेंसीज आ गई है, आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्प किया होगा। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर जस्ट 2022 का था, लास्ट ईयर किस टाइप के व्यापम ने क्वेश्चन पूछे थे, तो हमारी जो तैयारी है वही इसी टॉपिक्स के रिलेटेड होना चाहिए, ये टॉपिक आएंगे एज इट इज आ जाएंगे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, बट हमें जो वेटेज है इनका प्रैक्टिस हमें काफी अच्छे से करना है, ताकि इससे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो हम गलत नहीं करें। तो इसी टाइप के और वीडियोस के लिए हम 2021 का भी आपका उद्यान वाला पेपर अपलोड करेंगे, ये 2021 का पेपर हमारे पास है, ठीक है, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी का, ये भी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे, साथ ही 2022 का एक और पेपर है वो भी हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे होंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जो भी वीडियो हम इससे रिलेटेड डाले आपको काफी उससे हेल्प मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अपनी पढ़ाई में लगे रहिए और हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह के और वीडियोस हम आपके लिए जल्दी लेके आएंगे।